हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 4 अगस्त 2018 की प्रीलिम्स सब रेटर सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू, पीआईबी, न्यूज ऑन एआर और योजना, इसी के साथ दैनिक जागरण की जो इम्पोर्टेंट न्यूज है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं आज की हमारी डिस्कशन की तरफ। सबसे पहले जो न्यूज आई है वो आई है पिंगाली वेंकैया के बारे में। तो क्या है पिंगाली वेंकैया, वो एक बार देख लेते हैं। ये एक्चुअली वो पर्सन है जिन्होंने हमारा इंडियन जो नेशनल फ्लैग है ट्राइकलर का, उसको एक्चुअली डिजाइन है वो किया था। तो उनको लेके भी आर्टिकल हुआ है, तो उसके बारे में जो बेसिक फीचर्स वगैरह है वो हम देख लेते हैं एक बार। देखो, जो पिंगली वेंकैया है इनकी अभी 141वीं बर्थ एनिवर्सरी थी 2 अगस्त को, तो वो अभी गवर्नमेंट के द्वारा एक्चुअली जयंती को मनाया गया था, उसी उपलक्ष्य में भी आर्टिकल यहाँ पे आया है। तो हमारे लिए दो तीन फैक्ट्स वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि एक तो भाई इंडियन नेशनल फ्लैग है वो किसने डिजाइन किया, तो अब हमें पता चल गया कि पिंगली वेंकैया थे जो कि आंध्र प्रदेश से लोग हैं वो करते थे, और उनके द्वारा बेसिकली झंडे का या इंडियन जो ट्राइकलर है इसका निर्माण है वो किया गया था। तो ये दो चार फैक्ट्स इसके साथ आपको बताऊं कि ये वो पर्सन है जिन्होंने पीएचडी की थी जियोलॉजी में, इसी के साथ ये माइनिंग के अंदर काफ़ी एक्सपर्ट थे, इंडियन फ्लैग के डिजाइनर रहे हैं, और अहम बात इनकी है कि इनको अभी भी तक ढंग से रिकॉग्नाइज है वो भी नहीं किया गया था, जबकि इन्होंने हमारे देश का जो नेशनल फ्लैग है उसको एक तरीके से उन्होंने डिजाइन है वो किया था। तो इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसके लिए इनके बारे में बहुत कम ही लोगों को पता चलता है, तो भी गवर्नमेंट है वो लोगों को अवेयर भी कर रही है इनके बारे में कि भाई ये वो पर्सन है जिनके द्वारा हमारा जो ट्राइकलर है वो ट्राइकलर का जो झंडा है उसको कहीं ना कहीं डिजाइन है वो किया गया था। अब हम दो तीन फैक्ट्स और देखें यहाँ पे। तो देखो, ये जो पिंगली वेंकैया थे ये एक्चुअली फ्रीडम फाइटर भी थे और इंडियन नेशनल फ्लैग के डिजाइनर भी थे। इसी के साथ हम बात करें कि इनकी आइडियोलॉजी वगैरह की, तो वो थी गांधी जी की। देखो, जैसे सुभाष चंद्र बोस की आप बोल सकते हो कि उनकी थोड़ी आइडियोलॉजी गांधीवादी तो थी, बट उनकी थोड़ी डिफरेंट थी। वो थोड़ा चाहते कि जल्दी जस्टिस मिले, उनकी थोड़ी ऐसे थी कि भाई बम बम फोड़ दो जैसे भी हो, बस लड़ाई वड़ाई करके मामला खत्म करो। जबकि गांधी जी की तो आइडियोलॉजी थी वो बहुत अलग थी, तो ये गांधी जो प्रिंसिपल थे उन पर भरोसा करते थे। तो ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है कि पिंगली वेंकैया वो गांधी प्रिंसिपल पे बिलीव है वो करते थे। इसी के साथ ही जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसको ऑफिशियली रूप से इंडियन जो नेशनल कांग्रेस थी उसने 1931 में अडॉप्ट है वो किया था। तो ये चीज भी हमें ध्यान वो रखनी है कि हमारा नेशनल फ्लैग है वो कब अडॉप्ट किया गया था ऑफिशियली रूप से, 1931 में। इससे पहले तक केवल बस बातें चल रही थी, फ्लैग बन गया था बट उसे एक्टिव फॉर्म में वो नहीं लिया गया था। ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट की हम बात करें वो हुआ था 1931 में। तो ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान है वो रखनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड के बारे में। कंटेक्स्ट ये है कि अभी कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर है उसने एग्रीकल्चर साइंटिस्ट जो रिक्वायरमेंट बोर्ड है इसको शिफ्ट कर दिया है दूसरी मिनिस्ट्री में। बेसिकली ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान है वो देने लायक है। पहले जो ये एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्वायरमेंट बोर्ड है वो आता था ICAR के अंदर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंदर, बट अब हुआ क्या है, अब इसे गवर्नमेंट ने यहाँ से हटा दिया, डीलिंग का वो कर दिया है और इसे शिफ्ट किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन में, जो कि आता है एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंतर्गत। तो ये चीज़ हमें ध्यान वो रखनी है। देखो, जो भी डिपार्टमेंट चेंज होते हैं, मिनिस्ट्री चेंज हो रही है और वो चीज़ न्यूज़ में आ रही है, तो वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हमें उसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि UPSC वहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन वो पूछ लेती है कई बार। तो अगर ऐसे फैक्ट्स हमें नहीं पता होता है तो हमें एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से भारी गलती है, भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकते हैं। तो हमें अब ध्यान रखना है कि भाई कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर कहाँ शिफ्ट है, वो क्या गया है। अब इसके बाद हम करें, सबसे पहले तो हम ICAR के बारे में बात कर लेते हैं कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का भाई काम क्या है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का सीधा सीधा काम ये है इंडिया में कि एग्रीकल्चर एजुकेशन है उसको बढ़ाना, ये एग्रीकल्चर एजुकेशन को प्रोवाइड करवाना, इसके साथ ही एग्रीकल्चर रिसर्च है उसको बूस्टअप करना, मतलब एग्रीकल्चर के एरिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बूस्ट करने का जो काम है वो किया जाता है ICAR के द्वारा। अब हम देखते हैं एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड का काम क्या है। देखो, इस बोर्ड का मेनली काम ही है कि जो भी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में साइंटिस्ट हैं उनकी अपॉइंटमेंट की जानी है वो बेसिकली इस बोर्ड के द्वारा है वो की जाती है। तो इस बोर्ड में और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी बनाने के लिए, और ज़्यादा ऑटोनॉमी देने के लिए, उसी के साथ ही और ज़्यादा सिक्रेसी बनाए रखने के लिए, और ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी बने बताया, और क्वालिटी को एम्पावर करने के लिए, इंश्योर करने के लिए बेसिकली इसे अलग दूसरी मिनिस्ट्री में शिफ्ट है, दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट है वो किया गया है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखने कि भाई एग्रीकल्चर जो साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड है अब वो देखा जाए तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, जो कि आता है फार्मर एंड एग्रीकल्चर वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंतर्गत। तो ये चीज़ हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे बन जाता है। नेक्स्ट चीज चलते, चलो आप एक चीज ये बताइए कि ICAR है वो एक स्टेचुरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसके बारे में आपको बताना है ICAR के बारे में। इसी के साथ आपको ये बताना है कि ICAR के चेयरपर्सन कौन होते हैं, वो भी आपको कमेंट बॉक्स में नीचे आंसर बताना है। नेक्स्ट जो न्यूज आई है वो आई है
वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के बारे में, मतलब विश्व स्तनपान दिवस है उसके बारे में, सॉरी विश्व स्तनपान वीक या सप्ताह के बारे में। 1 अगस्त से लेके 7 अगस्त तक हर साल वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक है वो मनाया जाता है। किस किस के द्वारा यह ऑर्गेनाइज किया जाता है? वर्ल्ड एलनाइस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन WABA, इसके साथ ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ, इन तीनों के द्वारा मिलकर इसको ऑर्गेनाइज है वो बेसिकली किया जाता है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि वैसे कौन कौन होस्ट है वो कर रहा है। ये तो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे बन गया। अब चलते हैं आगे। देखो काम तो इसका बहुत सिंपल है कि ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में लोगों को अवेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग है वो प्रोवाइड की जा सके। तो मतलब जो ब्रेस्ट फीडिंग है इसके फीचर्स वगैरह हैं वो लोगों को अवेयर करना। इसी के साथ अहम बात यह है कि जब भी कोई बेबी पैदा होता है तो उसको 6 महीने तक तो एटलीस्ट एनी कॉस्ट ब्रेस्ट फीडिंग है वो प्रोवाइड करवानी चाहिए, ताकि उसका इम्यून सिस्टम वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है वो हो जाए। अब देखो बात करते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग जरूरी क्या है। एक तो बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत अहम जरूरी है, इसके साथ ही उसको जो डिजीज होती है उनसे बचाने के लिए काफ़ी अहम होता है। और देखा जाए तो हमारे देश के अंदर कुपोषण से काफ़ी बच्चों की मौतें हैं वो हो जाती हैं। इसी के साथ ही जो न्यू बॉर्न बेबी की डेथ होती है उसका 20% रिस्क है वो यही रहता है कि अगर बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाई जा रही है तो उसके चांसेस ज़्यादा डेथ होने के होते हैं। मतलब जिस बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जाती है उसके 20% कम चांसेस होते हैं ताकि उसकी डेथ वगैरह हो जाए। कुपोषण तो आपको पता है इंडिया में माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम बहुत काफ़ी गंभीर है, तो उससे भी निपटने के लिए काफ़ी अहम चीज़ कारगर है साबित हुई है ब्रेस्ट फीडिंग। इसीलिए गवर्नमेंट भी इसे काफ़ी प्रमोट कर रही है। इसके साथ ही जिन बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह नहीं करवाई जाती है उनमें डायबिटीज, मधुमेह जैसी बीमारियाँ हो जाती हैं, मोटापा या फिर एलर्जी, अस्थमा जैसी बीमारियाँ या फिर दृढ़ता के सिंड्रोम जैसी डिजीजें वो हो जाती हैं। और इसी के साथ ही उनका IQ लेवल या उनकी जो सोचने समझने की जो कैपेसिटी है वो भी कहीं ना कहीं स्लो है वो हो जाती है। तो मतलब बच्चे के माइंड पे आप तरीके से कह सकते हो कि बच्चे का हर एंगल से डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाता है, इसीलिए ब्रेस्ट फीडिंग वो बहुत जरूरी होती है। क्योंकि देखो जब बच्चा पैदा होता है स्टार्टिंग में तो उसके पास केवल खाने पीने के लिए एक ही ऑप्शन होता है, वो होता है माँ का दूध। और उस कंडीशन में उसे माँ का दूध नहीं मिल रहा है तो ऑब्वियसली बच्चे की जो डेवलपमेंट है ग्रोथ वो सही ढंग से नहीं हो पाएगी, इसलिए बच्चे में डिजीज वगैरह ज़्यादा हो जाती है, मतलब बच्चा काफ़ी वीक वो हो जाते हैं। अब इंडियन गवर्नमेंट ने भी ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो प्रोग्राम उठाए हैं, ऐसा तो है नहीं कि इंडियन गवर्नमेंट भी आंख बंद करके सो रही है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी एक माँ प्रोग्राम है वो स्टार्ट है वो क्या था, मतलब माँ इनिशिएटिव स्टार्ट किया था ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करने के लिए। बेसिकली हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा ये प्लान है वो लाया गया था। इसका फुल फॉर्म ये है कि मदर्स एब्सोल्यूट एक्सपेक्शन। मैन मोटो साफ साफ ये है कि बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग है वो प्रमोट करनी है, मतलब बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग पे ध्यान ज़्यादा देना है ताकि उसकी जो लाइफ है, ताकि आप से कह सको कि उसके जो डेली रूटीन है उसको कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम के द्वारा स्ट्रॉन्ग हो किया जा सके। मतलब बच्चे की हेल्थ का ध्यान रखने के लिए ही बेसिकली इसको प्रमोट है वो किया जा रहा है। अब इसमें होता क्या है, माँ इनिशिएटिव में ये होता है कि जो रूरल एरिया में जो आशा वर्कर होती हैं, जो कि गांव-गांव में घर घर जाके बच्चों जो बच्चों की माताएं हैं उनको जाके बताती हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग जरूरी क्यों है, कैसे करवानी है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, वो सारी बातें उनके द्वारा बताई जाती हैं। मतलब घर घर वहाँ जाके आशा वर्कर्स हैं ये स्टेप है, ये प्रोग्राम है वो करती हैं। इसके साथ ही जो कॉमन सर्विसेज सेंटर होते हैं वहाँ पर जो आशा वर्कर्स होती हैं जो और NM वगैरह होगी उनकी भी हेल्प यहाँ पर ली जाती है। मतलब एट एनी कॉस्ट कैसे भी साम दाम दंड भेंट उसकी हेल्प से ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने माँ प्रोग्राम वो चलाया था और काफ़ी हद तक इसके अच्छे रिजल्ट देखने को भी मिले हैं। तो अभी गवर्नमेंट इसे और ज़्यादा एक तरीके से आप बोल सकते हो कि प्रमोट है को कर रही है। तो ये चीज़ हमें थोड़ी ध्यान रखनी है कि माँ इनिशिएटिव किस लिए चलाया गया है, क्योंकि ये 2-4 फैक्ट्स हमारे लिए काफ़ी अहम हो जाते हैं कई बार। अब बात करें हम इंडिया के अंदर या ऑल ओवर वर्ल्ड की कि भाई जो ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह है उसके क्या हाल है। देखो जो यूनिसेफ की जो रिपोर्ट आई थी और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये है कि श्रीलंका है ना वो टॉप नंबर पर है जो कि बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग है वो सही ढंग से करवाते हैं। मतलब सीधी सी बात यह है कि श्रीलंका में सबसे ज़्यादा बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग है वो सही ढंग से करवाई जाती है, ये श्रीलंका इसलिए नंबर 1 पर है। तो हमें ध्यान रखना कि भाई हमारे पड़ोसी देशों में श्रीलंका नंबर 1 पर है। बात करें इंडिया की तो इंडिया 56 नंबर पे है टोटल कितनी 76 कंट्रीज में से। मतलब इंडिया की हालत बहुत बेकार है, इंडिया में ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट नहीं किया जा रहा है, ना ही बताया जा रहा है, अवेयरनेस वगैरह का काफ़ी इश्यू है, इसीलिए इंडिया काफ़ी नीचे है। तो ये थोड़ा आपको ध्यान है वो होना चाहिए। अब बात करें हम जैसे कजाकिस्तान हुआ, रवांडा हुआ, भूटान हुआ, उरुग्वे, ये कंट्रीज भी इंडिया से बहुत आगे हैं। मतलब इंडिया ने तो अपने नाक से कटवा रखे हैं यहाँ पे, सीधा बोल सकते हो एक तरीके से कि कजाकिस्तान हुआ, रवांडा और भूटान जैसी कंट्रीज बहुत आगे जा रही हैं, ये भी ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट कर रही हैं, जबकि तो लिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इसके बावजूद भी ये बहुत आगे हैं। इसका मतलब इंडिया कहीं ना कहीं जो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन है वो ढंग से काम है वो नहीं कर पा रहा है यहाँ पे।
इसके बाद में बात करें हम अजरबैजान हुआ और पाकिस्तान की, देखो वो तो पीछे है, वो या टॉप बोल सकते हो कि बॉटम की साइड है, मतलब वो तो काफ़ी नीचे की साइड है, ये बात यहाँ पे बेसिकली फैक्ट है वो दिया गया है। इसके साथ ही यहाँ पे बात बताई गई है कि अगर 5 बच्चे पैदा होते हैं उनमें से केवल 2 बच्चों को ही 1 घंटे की जो बच्चा पैदा होता है उसके स्टार्टिंग में ब्रेस्ट फीडिंग वो करवाई जा रही है, मतलब स्टार्टिंग का जो पहला घंटा होता है उस टाइम पर केवल 5 में से 2 बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग वो करवाई जाती है और बहुत कम लेवल पर ही। तो इससे क्या हुआ कि मतलब स्टार्टिंग में लोग वो ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट नहीं करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं बच्चे की हेल्थ का काफ़ी काफ़ी इशू वो रहता है और बच्चे की सही ढंग से ग्रोथ है वो नहीं हो पाती है। तो ये चीज़ हमें थोड़ी यहाँ पे ध्यान है वो रखनी है। नेक्स्ट जो न्यूज़ आई है वो आई है मुख्यमंत्री युवा नेस्थम के बारे में। देखो नेस्थम का मतलब है वो बेसिकली होता है राष्ट्र या नेशन, ये एक तेलुगु वर्ड है तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ऑब्वियसली ये स्कीम वगैरह वो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ही लेके आई होगी। हाँ तो जी हाँ बिल्कुल ये सही है, ये मुख्यमंत्री युवा नेस्थम जो स्कीम है वो लगी है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। क्यों? इस स्कीम का मेन मोटो ये है कि जो भी अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगार यूथ हैं जिनकी एज 22 से 35 साल के बीच में है उनको हर महीने 1,000 रुपये वो अलाउंस या भत्तों के तौर पे दिया जाएगा, ताकि वो अपने फॉर्म वगैरह के खर्चे और अपनी आजीविका को थोड़ा बहुत मतलब एक तरीके से फॉर्म वगैरह का काम है वो ढंग से कर सके। तो उन्हें अलाउंस के तौर पर गवर्नमेंट ने स्टार्ट है वो किया है। तो आप कह सकते हो कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम की तरह एक छोटा सा मॉडल है वो उनके द्वारा लॉन्च है वो किया गया है। इसके साथ ही इस स्कीम के अंदर यूथ है उनको ट्रेनिंग है वो भी प्रोवाइड करवाई जाएगी, इसके साथ ही उनको स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम कार्यक्रम है उसके अंदर सपोर्ट है वो दिया जाएगा। तो मतलब बच्चों की सही ढंग से ग्रोथ हो जाए और वो फिर आगे ढंग से जॉब वगैरह हो या फिर अपना बिजनेस वगैरह वो स्टेबल कर सकें, इसके लिए उनको स्किल के साथ साथ यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करवाया जा रहा है और अलाउंस भी दिया जा रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने की तमिलनाडु सॉरी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा ये स्टेप है वो लिया गया है। नेक्स्ट जो न्यूज़ आई है वो आई है मूव हैक, एक मोबिलिटी हैकाथॉन स्टार्ट किया गया है नीति आयोग के द्वारा इसके बारे में। तो हम देख लेते हैं कि मूव हैक है क्या। देखो नीति आयोग का एक हैकाथॉन आप बोल सकते हो कि नीति आयोग के द्वारा एक कैंपेन सा स्टार्ट है वो किया गया है। क्या है इस कैंपेन में वो देख लेते हैं। इस कैंपेन में बेसिकली देखो जो भी इनोवेशंस हैं या जो भी नए आइडिया या बोल सकते हो कि ईच जॉब डूइंग बिजनेस है इसको प्रमोट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड का यहाँ पे यूज है वो किया जा रहा है। एक तरीके से ग्लोबल जो मोबिलिटी हैकाथॉन है वो बनाया जाएगा जिससे काफ़ी ज़्यादा हद तक बेनिफिट मिलने वाला है और जो क्राउड सोर्स सॉल्यूशन है उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। मतलब क्या है कि हमारे देश में जो भी डेमोग्राफिक डिविडेंड है ना उसका सही ढंग से यूज किया जा सके, उसका जो टैलेंट है वो बाहर निकाला जा सके, इसके लिए बेसिकली इसको स्टार्ट है वो किया गया है। इसमें 2 छोटे-छोटे कैंपेन और हैं, जैसे एक तो है जस्ट सॉल्व इट और एक है जस्ट कोड इट। जस्ट सॉल्व इट का मतलब तो ये है कि जो भी इनोवेटिव बिजनेस आइडिया ना भाई आप वो बताइए, मतलब सॉल्व इट का मतलब क्या है, आपको अपने पास कोई भी अगर ऐसा इनोवेटिव बिजनेस आइडिया है तो आप उसके बारे में बिल्कुल बताइए। इसके साथ ही आप कोई भी प्रॉब्लम है उसका सस्टेनेबल सॉल्यूशन बता सकते हो, जैसे आप ये कह सकते हो कि जो इन्वायरमेंट में पोल्यूशन हो रहा है व्हीकल के द्वारा इसलिए बेटर ये है कि हम जीरो एमिशन वाली गाड़ी है वो लेके आए जो कि जीरो एमिशन करे पर पोल्यूशन का, तो इससे कहीं ना कहीं हमें काफ़ी तक बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरीके के अगर आप सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवा रहे हो तो इस हैकाथॉन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसके साथ ही जैसे जस्ट कोड इट जो कैंपेन है छोटा इसका सब पार्ट, उसका मेन मोटो यह है कि आपको सॉल्यूशंस देने हैं, मतलब आपको एम है वो सॉल्यूशंस देना है, जैसे कि आपके जो पास कोई भी इनोवेटिव आइडिया है उसकी हेल्प से आपके पास इनोवेशन है टेक्नोलॉजी वाले एरिया में या फिर डाटा एनालिसिस है उसकी हेल्प से आपको आंसर है वो प्रोवाइड करना है। पहले में क्या है केवल आपको आइडिया वगैरह होना चाहिए, आप एक सुझाव दे सकते हो। दूसरे में क्या है आपके पास टैलेंट है, आप ऐसी कोई प्रोग्रामिंग करके दे सकते हो, आपको डाटा एनालिसिस की ऐसी प्रक्रिया लेके आ सके हो कि बिग डाटा को एनालिस किया जा सके, इस तरीके का आपने कोई भी मतलब अच्छा काम किया तो वो इसके अंदर आ जाएगा बेसिकली। अब होगा क्या, फिर नीति आयोग है इस हैकाथॉन से 10 जो टॉप विनर्स होंगे उनको सिलेक्ट किया जाएगा और उनको 2 करोड़ रुपये तक की स्कॉलरशिप या 2 करोड़ रुपये तक का पुरस्कार है वो दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि जो मूव हैकाथॉन है वो बेसिकली नीति आयोग के द्वारा है। क्या है वो भी हमने देख लिया कि भाई सीधी सी बात यह है कि इनोवेशंस और हमारे देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसी चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है यहाँ पे। इसके साथ ही साथ देखा जाए तो जो क्राउडनर सॉल्यूशन है उसको भी फोकस किया जा रहा है, मतलब हमारे देश में जितनी पॉपुलेशन है उसके आइडिया हो उसके जो नवाचार के जो भी स्पेशल फीचर्स हैं उनका यूज हम कर सकें। फिर बाद में एक छोटी सी न्यूज़ और आती है, वो आती है बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर AAD के बारे में। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। देखो अभी रिसेंटली जो अब्दुल कलाम आइलैंड है कहाँ पे है, चलो आप ये बताइए अब्दुल कलाम आइलैंड, तो अब्दुल कलाम आइलैंड से बेसिकली एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है उसको अभी सक्सेसफुली टेस्टेड है वो क्या है। तो अब देख लेते हैं पूरी सारा सीन स्टार्टिंग से कि क्या ये एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है और क्या ही बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर है।
देखो बेलिस्टिक जो मिसाइल इंटरसेप्टर AAD है, ये बेसिकली एक इंडो एटमोस्फेरिक मिसाइल है, मतलब इंडिया की एक मिसाइल है वो बनेगी, ये चीज तो हमें ध्यान रखनी है, बेलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर। अब बात करें हम AAD क्या है, AAD का मतलब है एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल, मतलब कुछ एडवांस फीचर्स हैं उसमें, और एयर डिफेंस मतलब जो भी हवाई हमले होते हैं उनसे बचाने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम है वो बनाया गया है, उसका नाम है एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल। देखो इस मिसाइल के फीचर ये होते हैं कि बहुत कम हाइट के ऊपर भी है जो भी दुश्मन की मिसाइल है उसको मार सकती है, जैसे कि ये मान लो ग्राउंड सरफेस है और इसके ऊपर ये मान लो यहाँ पे 5-6 आप बोल सकते हो कि 20-25 किलोमीटर की रेंज है, इस वाले एरिया में कोई भी मिसाइल फेंक दी है, मान लो पाकिस्तान से मिसाइल है और वो काफी नीचे आ गई है, तो उसको अगर डिस्ट्रॉय करना हो तो हम इस एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल है इसका यूज कर सकते हैं। मतलब ये क्या करेगी, बहुत कम हाइट पे भी मिसाइल को खत्म कर देगी ताकि कोई भी नुकसान वगैरह ना हो, जान माल की हानि है वो ना हो। लोअर एटीट्यूड इंटरसेप्टर मतलब बहुत कम हाइट पे भी जो भी दुश्मन का विमान हो या कोई भी ऐसी चीज हो उसको डिस्ट्रॉय है वो कर देगी, हाइट दी गई है कि 15 से 25 किलोमीटर तक की रेंज में बेसिकली डिस्ट्रॉय है वो करने वाली है। अब हम बात करते हैं बैलिस्टिक मिसाइल जो डिफेंस सिस्टम है इंडिया का उसके बारे में, BMD के बारे में। देखो ये प्रोग्राम है वो बेसिकली चला गया था कारगिल वॉर के बाद, 1999 में आपको पता है कारगिल वॉर हुआ था और उस टाइम पे पाकिस्तान ने काफी कुछ परेशान किया था, खैर वो वॉर हम जीते थे, तो उसी के बाद गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया कि क्यों ना हम एक ऐसा डिफेंस सिस्टम बनाए ताकि हमारे ऊपर हमला वगैरह ना हो सके और पहले से उसकी सुरक्षा की जा सके। तो जैसे दिल्ली जैसी सेंसिटिव सिटी है और भी आप पूरी जगह मान सकते हो कि वहां पे अटैक वगैरह ना हो सके, तो मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक सिस्टम बनाया गया कि जैसे भाई एक मिसाइल भी अगर काम नहीं तो दूसरी के लिए तीसरी चौथी पांचवी ऐसे काफी लेयर्ड वो बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम तैयार किया गया था ताकि कोई भी अगर बैलिस्टिक मिसाइल का अटैक होता है तो उससे बचा सके। जैसे मान लो कि ये वाले एरिया में यहाँ पे मिसाइल का अटैक हो सकता है तो वहाँ पे चारों तरफ मिसाइल इस तरीके से डिप्लॉय की जाती हैं कि अगर एक मिसाइल भी अगर उसको चूक जाए तो दूसरी उस पर अटैक कर दे या तीसरी कर दे चौथी, मतलब काफी सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाने के लिए मल्टी लेयर हो गया ना, तो आप समझ गए कि काफी सारे लेयर है प्रोटेक्शन की वो यहाँ पे प्रोवाइड हो की गई है। तो ये प्रोग्राम गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है तो हमें इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। तो ये तो थी आज की हमारी डिस्कशन, फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।